There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सुबह का टाइम हो गया है, बच गए हैं 10:30. हाँ, तो मैं नहा ली हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ, अभी सिर्फ नहाई हूँ और मैंने डाली है लॉन्ग. काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस है, ऐसी ही मैंने सेम कल डाली थी, कलर अलग था. ये दो ड्रेसेस आई थी, बहुत ही कंफर्टेबल लगाई थी. तो चलो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट. मीतू भी उठ चुके हैं बट वो अभी तक नहाए नहीं है. मैं नहा ली हूँ, मैंने जोत लगा दी. मेरे को लगा मैं तैयार बाद में होंगी, पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ क्योंकि भूख लगी. तो इधर मैं खा रही हूँ बनाना काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि ना एक चीज़ कंटिन्यूसली खाते हैं ना, तो फिर ना हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा पेट भर गया, खाने का मन भी नहीं करता है. और इधर मैं बनाने वाली हूँ जो मम्मी ने भेजी थी मेरी सासू मोम ने, ये मिर्ची बड़े वाली, क्योंकि करौंदे में ये वाली मिर्ची डलती है. वो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाती है, मुझे खैर इतनी अच्छी नहीं आती बट बना लेती हूँ. बहुत सारे करौंदे हैं, एक साथ बनाऊँगी. पहले मैं सोच रही थी हाफ बना लूँ, हाफ फिर बना लूँगी, बट क्योंकि ना पापा ने भी करौंदे की सब्जी नहीं खाई है, मम्मी ने भी नहीं खाई, कह रहे करौंदा क्या होता है. मैंने कहा मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी, बनाऊंगी. तो आज स्पेशली ना ये सब्जी मैं बना के उन लोगों को भी खिलाऊंगी, देखेंगे उन लोगों को पसंद आएगी. वैसे मैंने बोला जैसे आंबे की सब्जी होती है ना, खट्टी मीठी वैसा टेस्ट होता है, बट देखते हैं नहीं खाया तो आज उनको ट्राई करवाऊंगी मैं. तो इधर बना रही हूँ मैं रोटी और इधर हो चुकी है मेरी करौंदे की सब्जी रेडी. मस्त सा मैंगो शेक. गाइस खाना बना दिया था, खाना खाया नहीं, मैंगो शेक बनाया वही खाया, क्योंकि आज ना मुझे पिया, नॉट खाया. हाँ पिया आज ना मुझे, आधे सिर में इतना तेज दर्द हो रहा है, मतलब इधर साइड में, इधर वाला ठीक है, इधर दर्द हो रहा है और मैं दवाई ले नहीं रही. मैं सोच रही हूँ कि आराम हो जाए बट आराम हो नहीं रहा. दिन के 12 बज गए हैं और खाना भी नहीं खाया अभी तक, पता नहीं क्यों इतना सिर में दर्द हो रहा है मुझे. मैंने नहीं खाया तो इन्होंने भी नहीं खाया. आप तो खा लो, मेरे तो भूख नहीं है, कह रहे भूख नहीं है इनको. लंच में करौंदे की सब्जी, पनीर भुर्जी और दही. कैसा लग रहा है? यहाँ डाल दिए हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा रखे थे और बेडशीट चेंज कर दी है. बेडशीट दूसरी बिछा दी है, कपड़े जितने सारे थे वो लगा कर दिए हैं. और मेरे सर में फिर फिलहाल आराम नहीं हुआ, मुझे लग रहा है डॉक्टर को मुझे कॉल करना ही पड़ेगा अगर कोई दवाई हो तो. बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है. मैं सोच रही हूँ थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करने की, कि एटलीस्ट इधर उधर ध्यान होगा ना, तो फिर ऐसे फीलिंग आती है कि यार हम बहुत बीमार हो रहे हैं. ये दिन वाले दवाई का टाइम भी हो गया तो वो भी ले लेते हैं सर. तो गाइस ये हो चुके हैं आज हाफ माइंड, क्योंकि आज इनका आधा ही दिमाग काम कर रहा है. आज इनके आधे दिमाग में सर दर्द हो रहा है और इनको मंगवा के दिए डॉक्टर से, पूछ के अभी पैरासीटामोल अभी खाएंगे और सोएंगे फिर. वेरी गुड. शाम हो गई और शाम मतलब आज मैं दिन में करीबन 3 बजे सोई थी और मैं उठी हूँ 5:30. उसके बाद मैं आई यूट्यूब पे लाइव 5-6 महीने बाद और सबके सवालों का भी जवाब दिया, बड़ा मज़ा आया. और अब मेरे सिर में आराम है. आप लोगों को भी बता दूं, अगर आप लोग प्रेग्नेंट है ना और अगर हेडेक है बहुत ज़्यादा, वैसे मैंने देख लो 2:30 या 3 बजे ही दवाई ली थी, मैंने पूरा दिन वेट किया पर इतना ज़्यादा दर्द था ना मेरे से, मेरी आंख नहीं खुल रही थी, ये वाली इस साइड दर्द था. तो फिर मैंने मेरे डॉक्टर को बोला, उन्होंने मुझे दवाई बताई, एक वो कोई सिरम भी बता दें, वो तो सिरम नहीं सिरप सॉरी, तो वो तो मैंने नहीं मंगवाया. तो मैंने फिर दवाई मंगवाई पैरासीटामोल, भाई वो एक दवाई ली छोटी सी, उससे तुरंत मतलब मुझे ऐसे आराम लगना शुरू हो गया. फिर मैं सो गई, अभी सही हूँ और अभी निकाल के लेके आई हूँ कपड़े जो कि मैंने मशीन में डाले थे दिन में धुलने के लिए, तो अभी इनको सुखा देती हूँ और फिर हो जाएगा जोत का टाइम, फिर लगाऊंगी जोत. और ना मेरे सिर दर्द का रीजन पता है क्या है, मुझे कभी मतलब पहले हो जाता है, प्रेगनेंसी में कभी नहीं हुआ. ये देखो भैया वहाँ पे बैठे हैं, आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, ये देखो कैसा ठक 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 करके तोड़े जा रहे हैं. और ये देखो बालकनी में हमारी हाल कैसा हो गया. तो ना जब सुबह सुहानी आई ना क्लीनिंग के लिए, तो वो आती है तो मैं उठ जाती हूँ, 7 बजे आती है, पर ये है कि कच्ची पक्की नींद में ना मतलब पूरा नहीं उठती हूँ बट ये उठ जाती हूँ. उसके बाद भाई साहब इन्होंने इतना ठक ठक किया, अभी तो ये इधर आ गए हैं हॉल वाली साइड,
सुबह बेडरूम वाली साइड से इतना इन्होंने तेज तेज बजाया इतना, और आप लोगों को पता सुबह की नींद कितनी जबरदस्त वाली होती है, इतना सिर में दर्द कर दिया, उस वजह से ही मुझे ना आधे सिर में दर्द हुआ, ये रीजन था। पतिदेव आ चुके हैं घर पे, ले आए हैं खूब सारे तरह तरह के फ्रूट्स, जिसमें कीवी है, बनाना, बनाना ऑलरेडी रखा भी हुआ था, आम भी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मटर, एप्पल, इधर आ गई हैं जी थोड़ी सब्जियाँ, अनार, सब्जी में सिर्फ पालक लेके आए हैं, और नारियल पानी, और कुछ बिस्किट जो मैंने रख दिए, ब्रेड वगैरह। हाँ जी, क्या डिनर बना के खिलाओगे आज? क्या डिनर बना के खिलाओगे आज? फास्ट है। नहीं ऐसे मत करो। मैं नहीं। अच्छा कौन बना रहे हो? ये मैंने देखी नहीं, मैं अभी इधर आई, कौन चला दिया इन्होंने, कौन बनाएंगे? ठीक है। और आज पहली बार 7 मंथ मेरे कंप्लीट होने वाले हैं प्रेगनेंसी के, पहली बार मेरा एकदम से ऐसे हलवा खाने का मन कर रहा है कि हाय कोई हलवा बना के दे दे अच्छा सा, वो नॉर्मल घर में बनाते हैं मम्मी, थोड़ा सा बेसन वाला, सासू माँ बनाती बहुत अच्छा, मम्मी बनाती बहुत अच्छा, पर अब मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का, खाने का मन है पर बनाने का मन नहीं है। दो दो हेल्दी चीज़ें बनेंगी, रात की रोटी बंद, पनीर बनेगा, इधर कौन बन रही है, कढ़ाई चढ़ चुकी है और हमारे बड़े शेफ आ चुके हैं। बंद क्यों खाओ? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को वैसे भी डॉक्टर ने रोटी के लिए बोला है, रोटी कम। और इधर तब तक मैं छील रही हूँ अनार, प्रोसीजर कुछ ऐसे पहुंचा, मैंने अनार छील दिया है, ठीक है जी। और इधर जो है हमारा जो पनीर जो है वो बॉयल हो चुका है, और इधर हमारी कॉर्न सक्सेसफुल हो चुकी है बॉयल। गाइस ये कि मैंगो चोर हमारी सोसाइटी में घूम रहा है, तो जो भी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग देखते हैं उनको ध्यान रखना भाई, अपने अपने मैंगो छुपा के रखना। मेरे घर में ऑलरेडी इतने मैंगो आए सब। हाँ तो मेरे घर में मेरे हैं ना, दे वो चुरा लेती है। हाँ 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 क्या टाइम हो गया, हम लोग आगे नीचे वॉक के लिए, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा हो रखा है, और अभी फिलहाल मुझे 90% आराम है, तो हाँ हल्का हल्का दर्द है अभी भी, फुल आराम नहीं हुआ, वो शायद हाफ माइंड कल ही होएगा, हाफ माइंड हो गए ना वैसे, वो शायद कल ही होएगा। और आज बहुत लोगों ने वेट किया, दिल से सॉरी, इतने मैसेज आए, ब्लॉग क्यों नहीं आया, ब्लॉग क्यों नहीं आया, इंस्टाग्राम पे भी इतने मैसेज आए, तो एक आध बार हो जाता है यार, ऊपर नीचे नहीं हो पाता है, पर ये सब आगे ट्राई करेंगे कि डेली आए, एक दिन भी मिस ना हो, इस करके हम लोग लाइव भी आए। और ये कमेंट करके बताना भाई ये क्या लिखा हुआ, हमें समझ नहीं आता यार, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, है ना? हाँ। तो कर लेते हैं वॉक जो डेली करनी है, और एक्सरसाइज मैंने शुरू नहीं करी, आज से सोचा था करूंगी, पर क्योंकि आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, आँख भी नहीं खुल रही थी मेरी सिर दर्द के मारे, तो वो करेंगे कल से स्टार्ट, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि फिर आप सब पूछेंगे, इसीलिए होता है कुछ ऐसे ही कंप्लीट। और अब मैंने अपनी जो रात वाली दवाई है वो भी ले ली है, अभी मित्तू तो खाएंगे फ्रूट बट मेरा कोई मन नहीं है, तो बस आज के ब्लॉग में यही था, मेन चीज़ ये थी कि जो मैंने सब्जी बनाई थी सुबह जो मम्मी ने भेजी थी, तो मैंने भेज दी थी वहाँ पर क्योंकि मैं तो गई नहीं, मित्तू दे आए थे, अब पसंद आई नहीं पसंद आई वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, नेक्स्ट जब पापा से मिलूंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वैसे उन लोगों को अच्छी लगी सब्जी, तो आज तो पापा ने समधन की भेजी हुई सब्जी खाई है। तो बस इसी छोटे से ब्लॉग के साथ करते हैं ब्लॉग एंड, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छे बुरे जैसे भी। तो गाइज ब्लॉग का एंड यहीं पे नहीं होता है, आप लोगों के लिए है एक खुशखबरी, हम जो भी लास्ट गाने के शूट पे गए थे हमारा गाना आ चुका है, ब्याह जो है सॉन्ग का, ब्याह हरियाणा में ब्याह दे रही माँ। हाँ तो ये तो गाना आया है भाई आत्म रिकॉर्ड्स पे, चैनल का नाम भी डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी मिल जाएगा। तो जैसे आपने हमारे दोनों गानों को पहले प्यार दिया ना गाइस, उससे ज्यादा प्यार देना है। अपना पहला गाना आया था वैलेंटाइन गाना, उसी चैनल पे ये गाना आया है आत्म रिकॉर्ड्स पे, तो जाके ज्यादा से ज्यादा प्यार करना और कमेंट जरूर करके आना भाई, हाँ कि कैसा लगा आपको, मारा कुटिंग करी है मैंने इसमें थोड़ी सी, तो जरूर देखना, थोड़ा डिफरेंट रोल है इनका, और एक स्टोरी है इस मारा कुटिंग के पीछे वो बता देता हूँ आपको,
जिस भाई के कंधे पे मटका फूट रहा ना, उस बेचारे के लील पड़ गए थे। हाँ, मतलब पांच दिन बाद में ठीक हुआ था वो बंदा जाके। तो भाई की थोड़ी मेहनत है, तो जरूर जाके कमेंट करना वो वाला सीन कैसा लगा आपको। तो करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड, और सबके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, सबका लाइक होएगा, वहीं पे सबको रिप्लाई मिलेगा। बाय बाय।